नारायण नारायण श्रीमन्ना।
अवतार लिया था, मत्स्य रूप विष्णु ने लिया था, सस्ते व्रत के पहुँचे कमंडल, बदन बढ़ाया अपना पल पल, सस्ते व्रत ने पूछी हकीकत, दिखलाई जब अपनी मूरत, बोले विष्णु सुनो ऋषिवर, प्रलय ही होगी शीघ्र धरा पर, सातों ऋषि ध्यान ये रखना, मेरी भेजी नाव पे चढ़ना, बीज दलाई सब धर लेना, सूक्ष्म रूप जन का कर लेना, रस्सी रूप बासुक से मांगना, मेरे सींग से नाव बांधना, ना डोलेगी नाव तुम्हारी, बचे प्रलय से सृष्टि सारी, इस प्रकार थी बचाई सृष्टि, ले कमलापति है जग के पालनहार, श्री विष्णु कमलापति है जग के पालनहार, श्री विष्णु कमलापति है जग के पालनहार। दूजा जब अवतार लिया था, कच्छप का आकार लिया था, देव असुर में हुई लड़ाई, बन देवों की जान पे आई, विष्णु जी ने युक्ति सुझाई, सागर मंथन कर लो भाई, विंध्याचल की रई बनाओ, बासुक नाग की नेथि बनाओ, मंथन से अमृत निकलेगा, जो पी जाए वो अमर रहेगा, देव असुर लगे मंथन करने, विंध्याचल लगा नीचे धसने, सारी आस थी लगी बिखरने, विष्णु को लगे देव सुमरने, तब कच्छप का रूप बनाया, पीठ पे विंध्याचल को उठाया, देवों को अमृत पिलवा के कर दी ना उद्धार, श्री विष्णु कमलापति है जग के पालनहार। जब अवतार लिया था, बारह अवतार लिया था, हिरण्यक्ष ने पृथ्वी चुराई, लेके छिपा समद में जाई, देवलोक में मची तबाही, किधर गई रे धरती माई, जब विष्णु ने अर्ज लगाई, तब देवों की हुई सुनवाई, आपने बारह रूप बनाया, भक्तों का फिर कष्ट मिटाया, निज थुथनी से सूंघ सूंघ कर, को
जा ललकारा, हिरण्यक्ष को जा ललकारा, युद्ध रचा के दुष्ट संहारा, युद्ध रचा के दुष्ट संहारा, कर स्वंभित जल को खुर से, की स्थापित पृथ्वी फिर से, जब अवतार लिया था, जब अवतार लिया था, नरसिंह का आकार लिया था, नरसिंह का आकार लिया था, था प्रह्लादिक भक्त तुम्हारा, था प्रह्लादिक भक्त तुम्हारा, दुख देता हिरण्याकश मारा, दुख देता हिरण्याकश मारा, खूनी हाथियों से खुदवाया, खूनी हाथियों से खुदवाया, ऊंचे पहाड़ों से गिरवाया, गर्म तेल में उसे बिठाया, गर्म तेल में उसे बिठाया, गर्म खंब से भी चिपकाया, गर्म खंब से भी चिपकाया, सत्ता से भी अलग हटाया, सत्ता से भी अलग हटाया, महलों से जंगल पहुंचाया, महलों से जंगल पहुंचाया, प्रह्लाद ने तुम्हें न छोड़ा, प्रह्लाद ने तुम्हें न छोड़ा, ना कष्टों से मुखड़ा मोड़ा, भजन तुम्हारा किया हमेशा, भजन तुम्हारा किया हमेशा, तुमने उसके हरे कलेशा, तुमने उसके हरे कलेशा, तुमने मिटाया उसके दुख को, तुमने मिटाया उसके दुख को, रख जांघों पे हिरण्याकश को, रख जांघों पे हिरण्याकश को, नाखूनों से चीर के सीना दिया दुष्ट को मार, श्री विष्णु कमलापति है फिर रख दिया सर पे, फिर रख दिया सर पे, उसे रसावल पहुंचा दिया था, उसे रसावल पहुंचा दिया था, देवताओं को स्वर्ग दिलाया ले वामन अवतार, श्री विष्णु कमलापति है जग के पालनहार, श्री विष्णु कमलापति है जग के पालनहार, श्री विष्णु कमलापति है पुर आए,
वनवासी हुए पिता वचन से, वनवासी हुए पिता वचन से, व्यथित हुआ मन सीता हरण से, व्यथित हुआ मन सीता हरण से, सुग्रीव से फिर मित्र तकीनी, सुग्रीव से फिर मित्र तकीनी, हनुमत सेना संग में लीनी, हनुमत सेना संग में लीनी, गढ़ लंका पर करी चढ़ाई, रावण के संग करी लड़ाई, रावण के संग करी लड़ाई, रामादल में आया विभीषण, रामादल में आया विभीषण, लंकपुरी का मिला सिंहासन, लंकपुरी का मिला सिंहासन, राम ने रावण को संहारा, राम ने रावण को संहारा, गूंज उठा नभ में जयकारा, गूंज उठा नभ में जयकारा, सब भक्तों को सुख पहुँचाया, मथुरा की जेल में, जन्म लिया मथुरा की जेल में, ताले खुल गए खेल खेल में, ताले खुल गए खेल खेल में, यशोदा माँ के लाल कहाए, यशोदा माँ के लाल कहाए, मथुरा से गोकुल में आए, मथुरा से गोकुल में आए, गाय चराई वंश बजाई, गाय चराई वंश बजाई, रोज नई लीला दिखलाई, माता पिता को सुख पहुँचाया, माता पिता को सुख पहुँचाया, कंस दुष्ट का नाम मिटाया, कंस दुष्ट का नाम मिटाया, फिर महाभारत युद्ध रचाया, फिर महाभारत युद्ध रचाया, अर्जुन का रथ तुमने चलाया, अर्जुन का रथ तुमने चलाया, तुमको कोई समझ न पाए, तुमको कोई समझ न पाए, अपनों से अपने मरवाए, तुमने गीता ज्ञान सुनाया, तुमने गीता ज्ञान सुनाया, युधिष्ठिर को महाराज बनाया, युधिष्ठिर को महाराज बनाया, दुशासन जैसे पापी का करवाया संघात, श्री विष्णु कमलापति है जग के पालनहार, श्री विष्णु कमलापति है जग के पालनहार, श्री विष्णु कमलापति है जग के पालनहार। आठवां जब अवतार लिया था, आठवां जब अवतार लिया था, बहुत बड़ा उपकार किया था, बहुत बड़ा उपकार किया था, राजा था एक सहस्त्र बाहु, भोजन मांगा जब अग्नि ने, भोजन मांगा जब अग्नि ने, हुक्म दिया उस बाहुबली ने, हुक्म दिया उस बाहुबली ने, चारों तरफ है राज हमारा, चारों तरफ है राज हमारा, खाओ जहाँ पे दिल हो तुम्हारा, खाओ जहाँ पे दिल हो तुम्हारा, अग्नि देव ने बन को जलाया, अग्नि देव ने बन को जलाया, आपव नामक ऋषि जलाया, ऋषि ने शाप दे दिया, तभी ऋषि ने शाप दे दिया, खुले शब्द में साफ कह दिया, खुले शब्द में साफ कह दिया, श्री विष्णु अवतार धरेंगे, श्री विष्णु अवतार धरेंगे, क्षत्रियों का वो नाश करेंगे, क्षत्रियों का वो नाश करेंगे, जगदम्बनी के पुत्र कहाए, जगदम्बनी के पुत्र कहाए, परशुराम का नाम धराए, जन्मे थे भार्गव
बड़ा था जब जब, कांपे देवता डर से थर थर, दिव्य असुर शक्ति को बढ़ाने हवन यहाँ नित लगे रचाने, सभी देवता घबराए थे, पहुँचे विष्णु जी की शरण में, बुद्ध रूप जब हरि ने धारा, हाथ में लेकर चले बुहारा, विष्णु पहुँचे देव पास में, वचन कहे हंस उपहास में, हवन यज्ञ है एकदम मिथ्या, इससे होती जीव की हत्या, हवन यज्ञ दैत्यों ने छोड़ा, सत्य धर्म से नाता तोड़ा, शक्ति कम हुई सब दैत्यों की, गए युद्ध में हार। श्री विष्णु कमलापति है जग के पालनहार, श्री विष्णु कमलापति है जग के पालनहार, श्री विष्णु कमलापति है। जब कलयुग जाने को होगा, जब सतयुग आने को होगा, तब दसवां अवतार धरेंगे, कल के रूप विष्णु को कहेंगे, मुरादाबाद जिला यूपी का, बनेगा वो स्थल श्री हरि का, संभल के ब्राह्मण के घर में, संभल के ब्राह्मण के घर में, हरि आएंगे कल के रूप में, हरि आएंगे कल के रूप में, होंगी 64 पूर्ण कलाएं, होंगी 64 पूर्ण कलाएं, नहीं रहेंगी भूत बलाएं, नहीं रहेंगी भूत बलाएं, देवदत्त घोड़े पे चलेंगे, देवदत्त घोड़े पे चलेंगे, कल के देव सब लोग कहेंगे, अत्याचारी नहीं बचेगा, अत्याचारी नहीं बचेगा, सत्य धर्म ही शेष रहेगा, सत्य धर्म ही शेष रहेगा, बात हकीकत कहे अनाड़ी, बात हकीकत कहे अनाड़ी, नहीं चलेगी झूठ की गाड़ी, नहीं चलेगी झूठ की गाड़ी, आ जाएगा फिर से सतयुग लेके नया संसार, श्री विष्णु कमलापति है जग के पालनहार, 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 श्री विष्णु कमलापति है। विष्णु सुनिए विनया, सेवक की चित लाया, कीरत कुछ वर्णन करो, दीजे ज्ञान बता, सुनते हैं श्री विष्णु चालीसा। शावन
दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारी हरी दुखिया जन की, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारी हरी दुखिया जन की, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। भरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारी हरी दुखिया जन की, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी।
के खड़े मुद्दत से इसी जिद पर है अड़े। अब सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, अब सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, देवेंद्र भी तरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारी हरी दुखिया जन की, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। कथा बृहस्पतिवार की, कथा एक साधु की है ये, कथा एक परिवार की। सुनो सुनो मैं तुम्हें सुनाऊं, कथा बृहस्पतिवार की, कथा एक साधु की है ये, कथा एक परिवार की। सुनो सुनो मैं सभ्य परिवार था, खुशियाँ ही खुशियाँ थी घर में, छोटा सा संसार था। सास ससुर संग बेटा बहू थे, घर में हर खुशहाली थी। बेटा भी लायक था उनका, बहू भी भोली भाली थी, बहू भी भोली भाली थी। की सेवा करती, ससुर का वो सम्मान करे। सास भी हर पल उठते बैठते बहू का ही गुणगान करे। कृपा थी उन पर विष्णु जी की, कमी नहीं थी कुछ घर में। भरा था घर धन धान्य से पूरा, कमी नहीं थी उस घर में, कमी नहीं थी उस घर में। बात बताऊं बहू वो आंगन लीप रही, घूंघट भीतर मंद स्वरों में गावो कोई गीत रही। खन खन चूड़ी छन छन पायल, सुर संगीत का संगम था। आंगन में तुलसी माता का अनुपम रूप मनोरम था, अनुपम रूप मनोरम था। वहाँ पर अलख जगाते संत एक आ जाते हैं, भिक्षा दे दे बेटी मुझको,
को वो आवाज लगाते हैं। भला तेरा भगवान करेगा भोजन मुझे करा दे तू, सदा रहे सौभाग्यवती तू, जल थोड़ा पिलवा दे तू, जल थोड़ा पिलवा दे तू। मेरे हाथ सने गोबर में बोली बहू मृदुवाणी बताओ साधु बाबा कैसे पिलाऊं पानी मैं, भोजन भी करवा देती मैं अगर मुझे फुर्सत होती, एक नहीं दो चार नहीं चाहे खा लेते दस रोटी, चाहे खा लेते दस रोटी। भिक्षा दूंगी भिक्षा के संग तुमको बाबा, भोजन भर इच्छा दूंगी। सुनकर साधु चला गया वो बहु काम निपटाए रही, घूंघट के अंदर ही अंदर मधुर मधुर कुछ गाए रही, मधुर मधुर कुछ गाए रही। खुशी दिन लगे गुजरने एक दिन ऐसी घड़ी आई, उनके घर में खुशियाँ लेकर नन्ही एक परी आई, गूंज उठा घर किलकारी से झूम उठा आंगन सारा, महक उठी थी घर की बगिया और खिल उठा चमन सारा, और खिल उठा चमन सारा। लली का चांद समुखड़ा बहु पुलकित हो जाती है, अलख जगाते फिर वो साधु द्वारे पे आ जाता है, भिक्षा दे दे बेटी मुझको वो आवाज लगाता है, वो आवाज लगाता है। तुम आना जो मांगोगे भिक्षा दूंगी खुशी से बाबा ले जाना, दूध पिला के अपनी लली को इसको अभी सुलाना है, इस हालत में साधु बाबा कठिन मेरा उठ पाना है, कठिन मेरा उठ पाना। चुपचाप वो साधु मिला कुछ नहीं उस घर से, मांग रहा वो अलख जगा के इस घर से कभी उस घर से, पी के दूध सो गई बिटिया पलंग पे उसको लिटाती है, उसे सुला के बहुत तुरंत किस काम में फिर लग जाती है, किस काम में फिर लग जाती है। चंद्र
कलासी लली बढ़ रही, अब गुरुकुल में जाने लगी। छोटे मोटे काम में बिटिया माँ का हाथ बटाने लगी। सास ससुर खुशहाल बड़े थे, साथ खेलते पोती के, हर दम उसके साथ में रहते उस इकलौती पोती के। उस इकलौती पोती के फिर कुछ दिन के बाद एक दिन मांज रही थी बहु बर्तन। बेटी गुरुकुल गई थी पढ़ने, सास ससुर पति गए सत्संग। फिर से वही साधु घर आया, आके अलख जगाया है। दे बेटी कुछ भिक्षा मुझको, योगी तेरे दर आया है। योगी तेरे दर आया है। लगी जो ठन, कैसा ये संयोग है बाबा, जब जब भी तुम आते हो मुझको किसी ना किसी काम में उलझी हुई ही पाते हो। उलझी हुई ही पाते हो। जीवन है, जीवन ही एक उलझन है। कभी लीपना आंगन बेटी, कभी मांजना बर्तन है। ऐसे में कुछ समय निकालो और कभी कुछ दान करो। घर आए साधु सन्यासी का बेटी सम्मान करो। बेटी तुम सम्मान करो। अब बाबा मैं बैठ पलंग पे अपना समय बिताऊंगी। मांग रही हूँ हाथ जोड़ के, मुझको ऐसा वर दे दो। काम काज ना करना पड़े मुझे, ऐसा कोई मंत्र दे दो। ऐसा कोई मंत्र दे दो। आया है फिर बाबा ने उस औरत को भांति भांति समझाया है। प्रातः काल कभी मत उठना, उठना सूरज उगने पर। कल से तुम्हें स्नान है करना सास ससुर के जगने पर। सास ससुर के जगने पर। रात ढले जब झाड़ू लगाना, दीप जलाना रात ढले। चूल्हे के पीछे भोजन रखना, चाहे बिगड़े बात भले। ससुर पति से तुम ये कहना, बृहस्पति को कटवाए बाल। इतना काम तू करके देख ले, फुर्सत मिले तुझे तत्काल। फुर्सत मिले तुझे Thank you.
थी फिर निज काम, बाबा की बातों से खुश थी, अब तो करूंगी मैं आराम। रात ढले वो झाड़ू मारे, रात ढले ही बारे दीप, दिन चढ़ने तक सोए तान के, बन गई पूरी पूरी ढीठ, बन गई पूरी पूरी ढीठ। ससुर के बाद नहाए, चूल्हे के पीछे धरे भोजन, सास ससुर और पति से पहले बैठ रसोई करे भोजन। बृहस्पति को पति बाल कटाए, हो गए सारे उल्टे काम, रूठ लक्ष्मी छोड़ गई घर, हो गया घर का काम तमाम, हो गया घर का काम तमाम। खाने को जिस घर में धन धान्य भरा था, तरसे दाने दाने को। ऐसी हुई मति भंग बहू की, नौबत आ गई फाके की, क्या होता है अब उस घर में, कथा सुनो अब आगे की, कथा सुनो अब आगे की। सी बहु बैठी है, हाथ में कोई काम नहीं, बैठी है आराम से, देखो काम का कोई नाम नहीं। तभी वही साधु फिर आया, फिर आवाज लगाता है, भिक्षा दे जो मुझ योगी को, ऐसा कोई दाता है, ऐसा कोई दाता है। खाने को ऐसी मार पड़ी किस्मत की, तरसे दाने दाने को। भिक्षा में तुम्हें क्या दूं बाबा, खुद खाने को तरस रहे, भूखी लली की देख के सूरत, दोनों नैना बरस रहे, दोनों नैना बरस रहे। तब तो दिया नहीं, कर कर के फुर्सत का बहाना, दान पुण्य कुछ किया नहीं। आज जो हालत हुई तुम्हारी, इसकी तुम ही दोषी हो, अब रो रो क्यों अपना चेहरा, बेटी तुम क्यों धोती हो, बेटी तुम क्यों धोती हो। फिर से वही दिन आ जाए, क्षमा करो अपराध हमारा, हे बाबा अंतर्यामी, मार गई थी मति हमारी, दया करो मुझ पर स्वामी, दया करो मुझ पर स्वामी।
उठाकर योगी बोले प्रातः उठ स्नान करो, भोर से पहले झाड़ू लगा के ईश्वर का फिर ध्यान करो। गोधूली के समय सायं को घर में दीप जलाना तुम, सास ससुर जब भोजन कर ले बाद में उनके खाना तुम, बाद में उनके खाना तुम। चूल्हे के पीछे न भोजन रखना, बृहस्पति वार कटाए न बाल, ऐसा करके देख तू बेटी कृपा होगी तुरंत तत्काल। इतना कह के चले गए वो, बहू समझ गई सारी बात, ऐसा ही फिर किया है उसने, सुधर गए उसके हालात, सुधर गए उसके हालात। ठीक हो गया घर धन धान्य से भर गया, फिर जैसी पहले थी खुशहाली वैसे ही गया खुशी से भर। कथा सुनाई बृहस्पति की, गलती हुई तो करना माफ, विनय करे सुखदेव सभी से, हाथ जोड़ कर कहे अविनाश, हाथ जोड़ कर कहे अविनाश, हाथ जोड़ कर कहे अविनाश, हाथ जोड़ कर कहे अविनाश। ओम जय बृहस्पति देवा, सब पा